चलिए ठीक है। फर्स्ट हमने देखा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंट फॉर्म में हमने देखा था। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, अपॉन एक्स ले रहे हम। ठीक है, एक्स जो डिफरेंट होगा, बेस के लिए होगा अलग होगा, एसिड के लिए अलग होगा, एटम के लिए अलग होगा और मॉलिक्यूल के लिए अलग होगा। ठीक है, सो एलिमेंट के लिए हमने देखा था एटॉमिक वेट अपॉन इट्स वैलेंसी। ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने देखा था वैलेंस इनटू एटॉमिसिटी, दो चीजें हमने देख लिए। अब ठीक है, तो थर्ड वाला फॉर्मूला हमको लिखना है अभी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। ठीक चलिए, मॉलिकुलर मास अपॉन चार्ज ऑन द आयन। एग्जाम्पल सॉल्व करने बातों की आवाज आ रही है। बिल्कुल बातें बात करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास सामने। हाँ, क्या आ रहा है आंसर? हो गया सॉल्व?
हो गया क्या आपका सॉल्व? पीछे में उधर सॉल्व करो फिर. चलिए सोडियम का क्या आ रहा है ना, मास तो 23 है, चार्ज वन है तो क्या आ गया 23 आ गया. कैल्शियम का है 40 तो आ गया 20. ऑक्सीजन का है ना 16 / 2 दैट इज 8. क्लियर है. SO4 एंटी 6 आता है ना, H2 निकाल दो है ना, तो कितना आ गया 96 और चार्ज है 2 कितना आ रहा है फिर 48. PO4 इसका मास कितना आ रहा है 95 / 3 31.6 ठीक है ना. चलो NH4 18 ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 आएंगे तो 18 ही आएगा. क्लियर है क्या? ठीक है चलो नेक्स्ट लिखना है हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट. That is molecular weight upon net charge on the ion. अब net charge on ion मतलब अगर कोई भी आप salt ले रहे हो तो salt में equal number of plus charge और minus charge होते, equal होते, तो दोनों भी same रहते मतलब. अगर प्लस 2 रहा तो माइनस भी प्लस माइनस 2 रहेगा है ना, तो दोनों में से कोई एक देख लो नेट चार्ज. समझ में आया क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, चलिए सोडियम क्लोराइड क्या है NaCl इसका निकाल लो, इस पे चार्ज प्लस 1 है ना. मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, चलिए इनका निकाल लीजिए. तो पहले वाले में 1 चार्ज है, प्लस 1 लो या माइनस 1 ले लो, सेकंड में 2 है और थर्ड में 3 है, बस उसके हिसाब से उसका मास को डिवाइड करो. नेट चार्ज का मतलब रहेगा कि एक तो प्लस 1 लो या माइनस 1 लो, दोनों भी 1 1 ही है ना, 1 लेना है. ठीक ठीक है, इसका फॉर्मूला रहेगा मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव लो या नेगेटिव ले लो. फॉर एग्जांपल
हाइड्रेटेड सॉल्ट पता है सबको, है ना। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो, पहले वो कंसेप्ट समझ लो आप। देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम कहेंगे, ऐसे सॉल्ट जिनके पास में क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल जिसकी वजह से सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। क्रिस्टलाइन है अगर तो आप कैसे इसको महसूस करोगे, हाथ में लोगे तो खुरदुरा लगता है ना। नमक आप हाथ में ले लो कैसे लगता है, खुरदुरा लगता है ना। ठीक है, वैसे आप कोई भी पाउडर लेंगे तो सॉफ्ट लगता है, लेकिन सॉल्ट लोगे तो खुरदुरा लगता है। क्यों क्यों लगता है, क्योंकि वो क्रिस्टल नेचर का है, क्रिस्टलाइन है। तो वो क्यों है क्रिस्टलाइन, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से उसका कलर भी अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लेते हो CuSO4, अब कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, लेकिन इसका इसके पास में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, मतलब एक CuSO4 के मॉलिक्यूल के साथ 5 H2O के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होते हैं, उससे बॉन्ड नहीं बनाए हुए है, एक क्रिस्टल के अंदर 5 अलग अलग जगह पे 5 मॉलिक्यूल्स है। जैसे मान लो कि भाई ये ऐसे अलग अलग शेप का ऐसा क्रिस्टल है, ठीक है, तो ये एक एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर है CuSO4 का, तो उसमें जगह जगह यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसी जगह पे 5 H2O के मॉलिक्यूल आ गए, जिसकी वजह से इसका जो नेचर है वो कैसा हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया है। और इसी की वजह से इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, इसका कलर हो जाता है ब्लू। ठीक है क्या, वैसे ही मान लो आपने ले लिया FeSO4, अब इसमें होता है 7 H2O के मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से इसका कलर हो जाता है ग्रीन। ठीक है, FeSO4 का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये जो कलर होते हैं अलग अलग सॉल्ट के, ये होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसी वजह से वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अगर मान लीजिए आपने इसको मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस को हीट किया, तो वाटर तो इवापोरेट हो गया ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर आपने लेके चले गए तो वो इवापोरेट हो गया। आपने क्या किया, 300 के ऊपर कर दिया, तो जितना भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था वो पूरा का पूरा इवापोरेट हो गया। अब इसका नेचर क्रिस्टलाइन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है, एमोर्फस, पाउडर की तरह एकदम सॉफ्ट हो गया। और इसका कलर जो ब्लू था, अब वो कैसा हो गया, व्हाइट हो गया, व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक, उसका कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। समझ में आया क्या, तो ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है उसको हम कहते हैं अनहाइड्रस। ठीक है, अनहाइड्रस सॉल्ट, देखेंगे आप बहुत सारी जगह पे वर्ड अनहाइड्रस आपको दिखा हुआ रहेगा। तो अनहाइड्रस का मतलब होता है कि जिसमें से वाटर को रिमूव कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। लेकिन 5 मॉलिक्यूल्स, कोई कोई बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं है, जिसकी वजह से लिक्विड नहीं रहता है, सॉलिड ही रहता है। समझ में आया क्या, ठीक है। तो अब इसमें हमने ले लिया BaCl2 बैरियम क्लोराइड, अब ये डाइहाइड्रेटेड है, तो इसका अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकालो, H2O की भी ऐड कर दो, और इसका टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों सेम ही रहेगा। मान लो यहाँ पे है, तो Ba पर 2+ है, और एक सेल पे माइनस वन है, तो 2 सेल पे -2 हो गए फिर, है ना, -1 -1 तो +2, तो इसको डिवाइड करोगे आप किससे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ गया फिर, इक्विवेलेंट वेट आ गया। क्लियर है क्या। नॉट अंडरस्टूड थोड़ा सर, प्लीज रिपीट जोर से बोलिए, आप आवाज नहीं आ रही, सर, प्लीज रिपीट रिपीट क्या करना है, कौन सा वाला रिपीट करना है आप। हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट। हाँ, इक्विवेलेंट वेट देखो, इसका मैं आपको एक ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। अब बीए का मास कितना है, 137। ठीक है,
बेरियम है, सीएल टू है, तो एक सीएल का 35.5 है, तो दो का कितना हो गया 71 हो गया है। चलो अब ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन रहेगा डॉट रहेगा तो ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई ये एडेड है तो मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ऐड करना। तो एक H2O का मास होता है 18, दो का कितना हो गया 36, कितना हो गया टोटल। अब इसका जो चार्ज है कितना है, प्लस 2 आ रहा है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है क्या? ओके आगे एक एग्जांपल लिखो, FeSO4 है ना, हेप्टा हाइड्रेटेड H2O, पोटैश एलम, चलिए तो फर्स्ट का कितना आ गया आपका आंसर, क्या है? फर्स्ट का तो आ गया होगा ना आंसर, कितना आया 122, ठीक है। चलो सेकंड का आया क्या, आयरन का कितना लिए 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का तो पता ही है 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। अरे सॉल्व सेकंड वाला नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना, प्लस करना है इसको और क्या है बस। चार्ज कितना लिया आपने, चार्ज FeSO4 पे कितना लिए है ना, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्लस 2 आएगा ना इसका, इसका माइनस 2 आता है ना, दोनों में से कोई एक ले लो, 2 आएगा फिर, तो 56 प्लस 32 ये सब ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है 278 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 139।
139. चलिए अब इसमें हम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे थर्ड वाले में? चलो प्लस वाले काउंट कर लो, फोर्टीन प्लस वाले कितने हैं? पोटेशियम पे कितना होता है? प्लस वन होता है, ठीक है, तो दो पोटेशियम मतलब प्लस टू हो गए, और एल्यूमिनियम भी कितना होता है? थ्री प्लस होता है, दो है तो मतलब सिक्स प्लस टू दैट इज एट, डिवाइडेड बाय एट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो डिवाइडेड बाय एट कर दो, ठीक है। जी सॉल्व करना है, अरे आवाज नहीं, और क्या बहुत दिन आ अब जितने भी आप ये सॉल्व कर रहे हो तो ये आपके पास में डेटा रहेगा, इसके बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हर एक का इक्विवेलेंट वेट अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको रिफर करो और वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। HNO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, 96 आ रहे हैं HNO3 का। अच्छा इसका क्या थर्ड का क्या आ गया आंसर? टोटल मास आई थिंक 474 आया गया, टोटल मास टोटल मास 474, 916 आ रहा है, 516
474 आना चाहिए टोटल मास। ज्यादा आ रहे एट नाइन फोर एट अगेन नाइन फोर्टी एट। यहाँ पे तो कुछ अलग ही दे रहा है, चलो देख लेते हैं। 948 इधर भी हुआ है क्या? 948 एक मिनट देख लेते उसको। चलो एक काम करो, उसको होमवर्क कर लो फिर थर्ड वाले को, इत्मीनान से करना घर पे। 6 वाला कर लो, नाइन जीरो सिक्स आ रहा है, 906 948 आ रहा है। डिवाइड करके बोल रहे क्या आप? नहीं, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 906 आया क्या? 948 आया। पोटेशियम को कितने लिए? 39, ठीक है। सल्फर का 32 लिए, 16 ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम को कितने लिए? 27 सही है। हाँ क्या फिर ये लगा रहा था, ठीक है ना। चलो देखना पड़ेगा उसको बाद, इतने आराम से देख लेंगे बाद। चलिए ये समझ में आया कि एसिड का इक्विवेलेंट वेट अगर हमको निकालना है तो, ठीक है ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है H2SO4 की? डायरेक्ट देख के बता सकते हैं आप, 2 इसकी 1 है ना। H2SO4 की 2 है, H2SO3 की 1, HCl की 1, HNO3 1 लिखा के दिया था मैंने 1, ये इसकी 3 है, इसकी 3 2 1 3 लिखा के दिया हूँ, छुट्टियों में भूल गए शायद, रिवीजन बहुत जरूरी है। फोर्टी है ना, 40 नहीं, 96 नहीं, 98 होगा, 98 अपॉन,
82 upon 1, that is 82. HCl 36.51, that is 36.5. HNO3 का कितना है? 63 है ना, तो डिवाइडेड बाय 1 ही रहेगा उसका. एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय 1 है ना, 1 मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा उसका हमने कितना लिया है ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या ली है. EV98 आ जाता है, 98 डिवाइडेड बाय 3 है ना, एटी टू डिवाइडेड बाय 2 66 डिवाइडेड बाय 1 बोरिक एसिड. समझ रहा है ना आपको? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना, इसका क्या रहेगा, बस बेसिसिटी की जगह पे एसिडिटी. घर पे गई थी, घर पे गई नहीं थी, बीच में छुट्टी नहीं थी.
ये सिक्स वाले का कितना आया फिर? 30 समथिंग क्या? 30.6 ठीक है, ये वाला 41.66 ठीक। चलिए बेस का निकाल लीजिए, फिर इसके बाद में हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का कंसेप्ट देखेंगे। हो गया सॉल्व सेवन का? आई थिंक इसका मॉलिक्यूलर मास हम पहले निकाल चुके हैं, वो भी डायरेक्टली रिफर कर सकते हैं आप। देखो पेज पेजेस पर लगा, देखो एनएएच का, क्यूएच का, पीओएच बाय टू, क्या हुआ? हो गया पूरा कंप्लीट?
ठीक है, एनएमएच का कितना आ रहा है मास? ठीक है 40 आ रहे डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसका बेसिसिटी 1 है। केओएच का बताओ क्या है? 56 है ना, डिवाइडेड बाय 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ठीक है 162 मास है इसका, डिवाइड बाय 2, 81 आ रहा है। फिर तो एक मिनट, हाँ 74 आ रहा है, सही। डिवाइड बाय 2 कितना हो गया फिर? 37 हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 78/3, 78/26। और NH4OH का ठीक है 35 डिवाइडेड बाय 1 है ना, 35 है ना ठीक है। चलिए अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखाया था कि मैंने, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया, इन सभी चीजों का हमने इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट किया। अब हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जिसमें हमको ये सारी चीजें इस्तेमाल में आने वाली है। इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कह सकते हैं या ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू गिवन मास, आपको मास दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपको मोल निकालना था और आपको मास दिया हुआ था, आपने क्या किया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसा ही था ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब गिवन मास मॉलिक्यूलर मास की जगह पे आपको कौन सा मास लेना है, इक्विवेलेंट मास या वेट। ठीक है इक्विवेलेंट मास बोलो या वेट बोलो, ठीक है तो कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, बी ले लेते हैं 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, C ले लेते हैं 53 ग्राम ऑफ
Na2CO3। चलिए तो पहले आपको क्या करना होगा, इक्विवेलेंट वेट निकालो और गिवन मास से इसको डिवाइड कर दो। गिवन मास को उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट तुम निकाल चुके ना ऑलरेडी, कितना है? बस क्या है आंसर बोलो। कितना आ रहा है? 100 आ रहे, 0.01 आ रहा है इनका, तुम्हारा 100 कैसे आ रहा है? 0.1 आ रहे भाई। देखो गिवन मास, इसका मास कितना आ गया, इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, 40 आ गया, 40 है इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो गिवन मास जो है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 40 से, तो 40 को अगर हमें 0.4 भी लिखना है तो क्या करेंगे फिर हम? 10 to the power 2 करेंगे ना, ठीक है क्या? कर सकते कैसे? ये तो 1 हो गया, ये चला गया ऊपर, 10 to the power minus 2, दैट इज 0.01, है ना? तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। सेकंड करो, इसका कितना आ रहा है? 0.01। ही आएगा ना, फिर वैसे आ जाएगा उसका। चलो थर्ड वाले का करो, लेकिन गलत आंसर आपका, 0.2 ना। हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है पहले, है ना? पक्का क्या आंसर है बाकी? एनी ऑप्शंस? 0.02 आएगा ना। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 98 है ना, वो 96 ही ले रहा है हमेशा, इसके पहले भी 96 लिया उसने। 98/2 49 हो गया ना, फिर अब डिवाइड कर दो उसको। ठीक है ना, अब उसको चेंज कर दो, क्या हो रहा, 98/10^-2 कर दो इसको, 49 2 हो जाता है ना, 2 × 10^-2 दैट इज 0.02। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी कितनी है H2SO4 की? 2 है, तो 98/2 है कि नहीं? है क्या किसी डाउट इसमें? इधर में नहीं, थर्ड का करो।
कितना 0.5 आंसर डायरेक्ट। इसका आपने इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला, सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 106 तो मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइडेड बाय सॉल्ट है ना सॉल्ट, तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लस चार्ज या फिर नंबर ऑफ माइनस चार्जेस। तो प्लस चार्ज कितना उस पे, टू है ना, एन ए भी प्लस है लेकिन दो एन ए है तो कितने को दो हो गए, डिवाइडेड बाय टू करना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट वेट आ रहा है कितना, 53 आ रहा है ना, वन आ गया फिर, ठीक है 53 डिवाइडेड बाय 53 दैट इज वन, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज वन। अभी आपको समझ में आया क्या कैसे करना है क्वेश्चन, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बाद में फिर बंद कर देंगे। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, डी फाइंड नंबर ऑफ ग्राम है ना इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 moles of H2SO4, 3 moles of H2SO4, ठीक है। चलिए अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हमको फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, सही है क्या। अब इक्विवेलेंट मास अगर हमको निकालना है H2SO4 का तो इसका फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा, गिवन मास इक्विवेलेंट वेट का मास निकालना है अपने को, हम क्या लेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, है ना। अब यहाँ पे इसका एक्स क्या रहेगा, H2SO4 क्या है एसिड है तो उसका एक्स क्या रहेगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है, तो इसको हम एक्स बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो ये एक्स नहीं, ये एक्स अपॉन वन है, सही है क्या, सिर्फ एक्स नहीं है वो एक्स अपॉन वन है। और जब ये ऊपर जाएगा ऐसे तो ये क्रॉस है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वन ऊपर और एक्स नीचे, सही है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। अब बताओ ये फॉर्मूला किसका है, मोल्स का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, मोल का फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब मोल कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और H2SO4 का एक्स मतलब बेसिसिटी कितनी है इसकी, 3/2, क्लियर हुआ क्या, ये आपका आंसर है।